हेलो एवरीवन, आज हम लोग अपने एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। इसमें क्या कह रहा है, द फॉलोइंग फिगर्स जी यू एन एस एंड आर यू एन एस आर पैरेललोग्राम। जी यू एन एस और आर यू एन एस पैरेललोग्राम है और हमें एक्स और वाई निकालनी है। ठीक है, एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। और ये जो लेंथ दिया हुआ है 26 18, ये जो है 26 सेंटीमीटर 18 सेंटीमीटर है। ठीक है, लेंथ ये 16 सेंटीमीटर लेंथ ऐसे दिया है। तो चलिए सॉल्व करते हैं, फर्स्ट पार्ट को देखते हैं पहले। ये हम लोग जानते हैं कि ऑपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम का ही सारा खेल होता है इसमें। ठीक है, तो ऑपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल, तो ये और ये इक्वल होंगे, ये और ये इक्वल होंगे। तो यानी 3x सॉरी एस जी इज इक्वल टू एन यू। ठीक है, एस जी इज इक्वल टू एन यू यानी 3x इज इक्वल टू 18, ये इक्वल टू ये x इज इक्वल टू हमारा 18 बाय 3 यानी 6 आ गया। ठीक है, और उसी तरीके से ये साइड और ये साइड भी इक्वल होंगे, तो यानी जी यू इक्वल हो जाएगा एस एन के। ऑपोजिट साइड्स हैं तो इक्वल होंगे। और 3y-1 इज इक्वल टू 26, 3y इज इक्वल टू 26+1 यानी 27 एंड y इज इक्वल टू 27/3 9, x की वैल्यू 6 y की वैल्यू 9। तो देखेंगे सेकेंड पार्ट, इसमें क्या है, ये हमारा 20 है, ये हमारा y+7, ये x+7, ये 16 सेंटीमीटर। तो हम ये जानते हैं कि डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम क्या होते हैं, डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ही जाता है। डायगोनल्स क्या करते हैं, पैरेललोग्राम के एक दूसरे को बाइसेक्ट कर देते हैं यानी आधा आधा डिवाइड कर देते हैं। यानी ये और ये इक्वल कर दे, ये और ये इक्वल हो जाता है और ये इक्वल होता है। ठीक है, तो ये और ये इक्वल होंगे और ये इक्वल होंगे, तो y+7 इक्वल हो जाएगा 20 के। ठीक है, सेम y की वैल्यू निकाल लेंगे, 20-7 यानी 13। ठीक है, y की वैल्यू निकल गई 13। और उसी तरीके से x+y इज इक्वल टू 16 हो जाएगा। ठीक है, ये और ये इक्वल हो जाएगा। ठीक है, x+y की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे, 13 इज इक्वल टू 16, तो x इज इक्वल टू क्या होगा, 16-13 यानी 3 हो गया। सिंपल था, x की वैल्यू इसमें 3 आ गई, y की वैल्यू 13 आ गई। ठीक है, इसमें हमने क्या किस प्रॉपर्टी का यूज़ किया, डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम लिख देते हैं, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, ये प्रॉपर्टी का यूज़ किया हमने। और इसमें कौन सा प्रॉपर्टी का यूज़ किया, यहाँ पे लिख देते हैं, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है, इस प्रॉपर्टी का यूज़ करके हमने एक्स वाई की वैल्यू निकाल ली। यहाँ पे इस प्रॉपर्टी की यूज़ करके एक्स वाई की वैल्यू निकाल ली। ठीक है, वेरी इजी था ये क्वेश्चन।